कोर क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में तो ये होने वाला है हमारा फिर से एक रोड टू मैक्स सीरीज का एपिसोड। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरा इलिक्सर गोल्ड एंड डार्क इलिक्सर ऑलमोस्ट सभी कुछ मैंने यहाँ पर फुल करके रखा है। तो आज हम लेबोरेटरी पे भी वर्क करेंगे, आज हम अपने बिल्डर्स पे भी वर्क करेंगे एंड जो गोल्ड पास का ये वाला इवेंट है मैं ट्राई करूंगा इसको जल्दी से कंप्लीट करने की, परंतु अभी यहाँ पर चैलेंजेस में यार काफी ज्यादा ही मतलब बाकी है। तो अभी अपन यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बिल्डिंग को अपग्रेड कर लेते हैं अपने बिल्डर बेस में ताकि वो मेरे को एक वहां पर ये कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हो अब ये 3 हो चुके हैं। तो अब मेरा पूरा प्रयास है कि मैं यहाँ पर 2 बिल्डर को वर्क पे लगा लूं एंड ये वाला इवेंट भी कंप्लीट कर लूं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर 92 लाख हो चुके। तो जैसा कि गोल्ड पास के हमें मिला है बिल्डर बूस्ट, इसमें 10% यहाँ पर कॉस्ट लूज हो चुकी है। तो मेरे को मोटर अपग्रेड करनी थी, ये 90 लाख में अपग्रेड होती है पर अभी मेरे फायदे का सौदा है 81 लाख में ही हो रहा है। सो मतलब यार काफी अच्छी चीज है ये। तो चलिए फटाफट से अपन अपनी एक मोटर को अपग्रेड पे लगा लेते हैं। तो अभी मेरी ये वाली मोटर मैक्स हो रही है, अभी मेरे को 3 मोटर और मैक्स करनी है। एंड चलिए अब अभी अपना गोल्ड हो चुका है 11 लाख ओनली। तो इस 11 लाख को भी मैं कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्ट कर देना चाहता हूँ। तो अपन सबसे पहले तो इन 11 लाख को अपन अपनी वॉल्स पे करेंगे एंड वॉल्स की प्राइस आप देख सकते हो यार काफ़ी कम हो चुकी है अपग्रेडिंग की, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरे लिए। एंड अभी मैं और कुछ यहाँ पर कर नहीं सकता, तो मैंने अपना गोल्ड कर लिया है खर्च। तो अभी मैं मेरा अपना मैजिकल आइटम्स आपको शो करना चाहता हूँ गाइस। तो मैजिकल आइटम में दिखाऊं तो मेरे पर एक रून ऑफ गोल्ड है, तो इसको फटाफट से अपन यूज कर लेते हैं एंड गोल्ड स्टोरेज को फिलअप कर लेते हैं। तो अब अगेन गोल्ड स्टोरेज अपना फिलअप हो चुका है, बट यहाँ पर जो एक देखने वाली बात है अभी मेरे पास एक ही बिल्डर फ्री है। अगर मैं इसको एंड टू एंड बिजी कर देता हूँ तो मैं इलिक्सर का क्या करूंगा, तो मैं वो सोच रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि लैब में भी अपग्रेड अभी कुछ हो नहीं रहा है एंड मैं किस चीज को अपग्रेड पे लगाऊं मैं ये सोच रहा हूँ। मैं पहले डार्क ट्रूप अपग्रेड करूँ या एलिक्सर ट्रूप अपग्रेड करूँ, तो मैं टोटली कंफ्यूज हो चुका हूँ। यहाँ पर सबका मतलब लेब में सबका कॉस्ट भी कम हो चुका है अपग्रेडिंग का, बट उसके बाद भी यार थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन है ही। बट मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ अपने डार्क ट्रूप के साथ जो कि ये विच जो कि मतलब काफी अच्छा वर्क करने वाली है, वो विच अगर TH11 VI11 करूँ तो मैं सोच रहा हूँ लेवल 4 के लिए विच को अपन लगा लेते हैं। तो चलिए अब लेवल 4 यहाँ पर 10 डेज एंड 18 होवर में हो जाएगी, तो मैक्सिमम गाइज इस सीजन में मैं 3 ट्रूप अपने मैक्स कर पाऊंगा चलते हुए एंड कम कॉस्ट में। तो अभी आप डार्क इलिक्सर देख ही सकते हो कम हो चुका है, तो कलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से भी मेरे को एक कलेक्ट करना है जो रिवॉर्ड पहले बच गया था। तो अभी भी यार डार्क इलिक्सर आप देख ही सकते हो यार वापिस से 81 हो गया, तो मतलब ऑफकोर्स वापिस से वो फुल होने वाला है। तो अब मेन जो फोकस वाली चीज है मेरी, अगर प्रोफाइल देखोगे हीरोज में 50-50 एंड 13 है, तो एक धब्बा है जो हीरोज में हो गया वार्डन है, तो मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड करना चाहता हूं। तो मैं गाइस यहां पर डेफिनेटली इसको जेम दे रहा हूं। जेम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगेन मैं हैंड टू हैंड हीरो को अपग्रेड कर लूंगा वो भी बुक ऑफ हीरो से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। चलिए जेम कर लेते हैं एंड 320 जेम, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के देने पड़े बट दे दिया यार एटलीस्ट। चलिए वापस से इसको अपग्रेड करते हैं, बुक ऑफ हीरो यूज करते हैं। तो अभी गाइस हमारा वार्डन आप देख सकते हो 15 का हो गया, बहुत ही बढ़िया चीज है एंड ज्यादा तो कुछ बचा नहीं है। वार्डन भी अपन जल्दी से अपग्रेड कर लेंगे, मतलब यार अब मेरे को जल्दी जल्दी अपना TH11 मैक्स करना है क्योंकि यार अब TH13 भी आने का है, तो 12 पे मेरे को जल्दी से मूव करने का है। तो उसके लिए एंड अभी इलिक्सर हो चुके अपने पास 43 लाख, तो मैं इसको भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाला हूँ गाइज। तो अभी अपन एक वॉल अपग्रेड करने वाले अपना, तो यहां से मैं एक बार देखता हूँ गाइज। ओके तो अपन को वॉल अपग्रेड करनी है, वो ये वाली वॉल अपग्रेड करनी है, तो 36 लाख कॉस्ट मतलब 4 लाख कम हो गई, तो चलिए कुछ तो बढ़िया ही हुआ। एंड यहाँ पर ये भी अपन अपग्रेड कर चुके हैं, तो काफी अमेजिंग काफी कुछ। अभी अपने पास 5 गोल्ड रिंग भी पड़ी है, तो वो मैं डेफिनेटली यहीं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इसको लेवल 9 करके एंड लेवल 10 के लिए 2 है, तो ठीक है लेवल 10 नहीं करते अपन इसको एंड इनको भी 9 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 गोल्ड रिंग का भी अपन ने यूज कर लिया, तो ये वाला एपिसोड में अपन काफी कुछ मैक्स करने की तरफ बढ़ चुके अपने टाउन हॉल को। एंड अभी भी अपने पास 2 बिल्डर फ्री है, मतलब 2 बिल्डर रियली फ्री है, तो एक बिल्डर जो है वो मैं इलिक्सर गेन करूंगा एंड देन वापस से मेरे वार्डन को स्लिप टाइम में डाल दूंगा। ये सोच रहा हूँ आफ्टर CWL डाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आफ्टर CWL अपन अपना वार्डन अपग्रेड करके, बट अभी तो अपन एक मोटर पे लगाने वाले वापस से 81 लाख। तो अगेन गाइस गोल्ड स्टोरेज को मैंने एम्प्टी कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट एम्प्टी कर लिया, मेरे को इसको अपग्रेड करना है। तो ये 49 मांग रहा है, मतलब 49 लाख तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 19 लाख अपने पास पड़े एंड बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, अटैक्स देने होंगे। तो चलिए अपन इस वाले एपिसोड में मैं आपको अपना एक अटैक तो दिखाई देता हूँ, लेवल 15 का वार्डन भी यार वो यूज कर लेता हूँ।
वैसे फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा, मेरे TS12 में मैं 20 प्लस के वार्डन यूज कर चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पर मेरे को फोकस अप करना है लूट पे, क्योंकि अपन ने सभी कुछ अपग्रेड कर पूरा स्टोरेज को खाली कर लिया है। तो ये एपिसोड थोड़ा लंबा होगा, बट काम चलाना, आपको काफी ट्रिक्स मिलेगी इन तरह के एपिसोड से। अगर आप प्लेशर हो तो आपके लिए इस तरह की सीरीज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भले मैं TH11 पे वर्क कर रहा हूँ, बट आपके लिए आपके बेस पे आपको वर्क करने का है, तो आप उस पर अगर वर्क करोगे तो भी आप अच्छे हो जाओगे। तो मैं चाहता तो यही हूँ कि अनकट वीडियो बनाऊं, पर कट लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जो ये वाला सेशन होता है ना नेक्स्ट वाला, इसमें जब तक मेरे को लूट नहीं मिलेगा तब तक मैं अटैक को टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आर्मी का कॉस्ट मेरे को देना है, तो वो कॉस्ट को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा लगाते हैं पोर, जैसे ही बेस मिलेगा वैसे ही अपन वापस से अटैक पर। आपको अटैक तो रेगुलरली देखने को मिलना है, मेरे को लगाना है कट तो। वेट अ मिनट, तो गाइज वी आर फाइनली डाउन एट दिस बेस। TH12 है, बट यार मेरे सेमी मैक्स लग रहा है, ज्यादा मैक्स नहीं है, बट 3 इन्फर्नो तो है इसके पास। बट अपन ट्राई लेके जितना ज्यादा अपन लूट पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अपना क्वीन वॉक को यूज करेंगे इन द कॉर्नर ऑफ द साइड, एंड अब अपना जो मेन अटैक है वो मैं इस तरफ से देने वाला हूँ। तो डबल पीका इन द कॉर्नर साइड, सिज मशीन एंड किंग के पीछे से अपन अपना विजार्ड फनलिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब क्वीन को टारगेट जैसे विजार्ड टावर करेगा वैसे मेरे को यहाँ पर ड्रॉप करने थे अपने सारे के सारे वॉल ब्रेकर, वो मैं कर चुका हूँ। एंड अभी क्वीन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वेलकरी एंड वार्डन पे ध्यान देना है मेरे को। तो वेलकरी इज गोइंग टू द इनसाइड द बेस एंड हील एंड रेज अपन ने एक यूज करा है, तो चलिए मे बी कोस्ट मेरे को हील और रेज का पूरा वसूल हो चुका है। एंड यहाँ पर जो मेन इशू है गाइस, वार्डन मेरे को ध्यान में नहीं आया, या पता नहीं मतलब क्या हुआ गाइस, वार्डन मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब उसने मतलब पूरे अटैक थोड़ा सा बिगाड़ दिया यार। अटैक मतलब इतना तो नहीं बिगड़ना चाहिए था जितना उस वार्डन ने मेरा खराब कर दिया अटैक। मतलब लूट के लिए गए थे वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन, तो लूट तो अपन ने ले लिया, एंड 2-स्टार इजिली अपन कर लेंगे। क्वीन वॉक स्टिल अवेलेबल है, तो अभी क्वीन का एबिलिटी मेरे को पॉप अप करना पड़ा है। बट गाइस क्वीन पता नहीं क्या करती है, वॉल्स को क्यों डिस्ट्रॉय करती है क्वीन, मेरे को अभी तक नहीं पता पड़ा यार। क्वीन को वॉल से बहुत ज्यादा प्रेम है यार, पता नहीं क्या है इसका। एंड यार ये थोड़ा डार्क एलिक्सिर लूटने में थोड़ी हेल्प कर दे क्वीन तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पर क्वीन की हेल्थ लो होती हुई क्योंकि काफी ज्यादा मल्टीपल टारगेट डिफेंसिव टारगेट में ले रहे क्वीन को। बस डार्क एलिक्सिर लूट ले क्वीन, और कुछ नहीं चाहिए अपन को। तो लूट के लिए अटैक किया था, लूट के लिए अटैक सक्सेसफुल हो रहा है। तो जैसा मैंने प्रिडिक्ट करा, जैसा मेरे को करना था, मतलब मेरा अटैक उस तरह से तो नहीं गया, 3-स्टार होना चाहिए था, बट 70% एक वो टारगेट होता है जब अपन को मैक्सिमम लूट प्रोवाइड हो जाती है पूरे बेस की। तो आप देख ही सकते हैं वेलकरी काफी अच्छा वर्क करी है, क्वीन वॉक स्टिल अवेलेबल, मतलब अटैक संभल गया थोड़ा सा, मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं गया, बट TH12 5-स्टार था आखिरकार। बट अभी भी क्वीन वॉक चल रहा है, देखता है जितना भी अपन यहाँ से ये जो गोल्ड स्टोरेज एंड एलिक्सिर स्टोरेज है अगर ये ओल्ड ले ले तो ऑलमोस्ट इस बेस का अपन पूरा लूट गेन कर सकते हैं, पूरा तो नहीं मतलब मैक्सिमम ऑफ लूट गेन कर सकते हैं। तो अभी 2 स्टोरेज स्टिल अवेलेबल है, बट जो मेरी हीलर्स की हेल्थ है वो बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, मेरी वेलकरीज को इस वो ट्रैप ने उड़ा दिया हवा में। बट क्वीन वॉक आप देख सकते हो लेवल 50 की क्वीन कितनी ओवर पावर्ड होती है, अकेले अपने दम पे इतने डिफेंसेस क्वीन ने क्लियर कर लिए, एंड अभी भी जा ही रही है। तो आपको क्या लगता है, अभी से प्रेडिक्ट कर दो 3 होगा नहीं होगा? वैसे 3 होना इम्पॉसिबल क्योंकि यार टाइम लिमिट भी है, तो टाइम लिमिट ऑफकोर्स क्वीन क्रॉस कर जाएगी, बट यार जो एलिक्सिर था वो अपन गेन कर चुके, 86% अटैक मतलब डूबते हुए अटैक को क्वीन ने बचा लिया। तो इसलिए मैं एक तरफ से हर बार अटैक में अपना क्वीन वॉक है उसको मैं यूज करना ही चाहता हूँ, क्योंकि क्वीन काफी एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर देती है हीलर्स के साथ। बट जो ये यहाँ पर अच्छा, बस यार ये गोल्ड और लूट ले, मतलब मेरे को जो गोल्ड चाहिए यार, एंड अब हीलर डाई होने वाली है, गो गो गो, अब गोल्ड लूट लेती थोड़ा यार क्वीन, गो फॉर गोल्ड। तो क्या ये गोल्ड अपनी क्वीन लूट सकती है सारा का सारा? तो गाइस जहर अटैक जो गन्ना था कर दिया गाइस, कर दिया मतलब कर दिया, 0-0 हो सकता है क्या? या गाइस 0-0-0 एंड टाइम अप, क्वीन ने अपना गिव अप नहीं करा। एंड जो इसका लूट था 4 लेक एंड 4000 एंड बोनस मिला के काफी अच्छा लूट गेन हुआ। तो मतलब अच्छा ही बेस अपन ने टारगेट किया, अगर वो थोड़ा सा मेरा वार्डन का एबिलिटी यूज कर लेता तो डेफिनेटली यार ये अटैक 3-स्टार हो जाता, तो मेरा ही मिस्टेक था, एंड वार्डन मेरे को दिखा नहीं, एंड कब वो डाउन हो गया मेरे को पता ही नहीं चला अटैक में। तो ये था अपना रोड टू मैच एपिसोड, कैसा लगा कमेंट करना, कुछ भी अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।